हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं गांव का रहन दोस्तों सहन। ये देख सकते हैं घर कुछ इस प्रकार बना हुआ है, लेकिन इसमें भी क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले आंधी तूफान ज़्यादा आया था, तो ये करीबन ऊपर का जो पाल था इसमें पाल डाला गया है, तो उड़ जाने की वजह से रूम में काफ़ी पानी आ गया था। तो देख सकते कितना गीला हो गया है। तो यहाँ कहा जाए तो अब ज़्यादा गीला होने की वजह से बहुत ख़राब हो गया है। तो चलिए हम बाहर की तरफ चलते हैं, नदी साइड, नदी किस प्रकार है। इसमें कहा जाए तो इसने तीन तीन ही रूम में पाल डाला गया है और इधर का तीन रूम बाकी है, अभी लेंटर नहीं पड़ा है। तो ये कुछ इस प्रकार है। इस साइड से हम नदी चलते हैं, यहाँ पर से काफ़ी पास नदी पड़ जाती है और घर यहीं पर है और काफ़ी ऊँचे जगह पर है, लेकिन इस तरफ से नदी थोड़ा दूर है, काफ़ी नीचे है, लेकिन देख सकते हैं रास्ता कुछ इस प्रकार है। थोड़ा बरसात के समय में यदि मार्केट करना होता है तब यदि पानी ज़्यादा आ जाता है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है आने जाने में, क्योंकि डैम नहीं बना हुआ है। बड़ा वाला पुल जो होता है वो नहीं बना है, और डैम छोटा बना है जिसमें ज़्यादा पानी आने की वजह से उससे ऊपर से पानी चलने लगता है, थोड़ा आने जाने में प्रॉब्लम होती है। और जब से डैम बन गया तब से यहाँ देख सकते हैं ये जो पाल होता है इसमें सब्जी लगाई जाती थी, लेकिन डैम जैसे ही बंद होता था यहाँ तक पानी ऑलरेडी आ जाता है, इसमें कुछ उगाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका कटाव भी काफ़ी कम हो गया डैम बनने से, नहीं तो पानी बहुत तेज़ चलता था तो ये बहुत जल्दी जल्दी कटता था, ये पहले वहाँ से हुआ करता था, लेकिन अब डैम की वजह से बहुत कम कटा है, नहीं तो अब तक में ये आधा से अधिक कट जाता, क्योंकि पानी का बहाव कुछ ज़्यादा ही रहता है बरसात के समय में। तो अब यहाँ कुछ नहीं लगाया जाता, जैसा कि किस प्रकार धुंध झाड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ हमेशा गीला ही रहता है। इस साइड भी उसी प्रकार है, यहाँ भी कुछ नहीं लगाया जाता। पाल के ऊपरी वाला भाग है जिसमें ये देख सकते हैं इसमें कुछ अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं जो अभी बरसात के समय में काफ़ी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ अमरूद के पेड़ ही बस हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन बरसात की वजह से देखते काफ़ी हरी भरी है। और ये सामने पड़ जाती है टंकी जिसमें नहाने धोने का काम यहीं पर रहता है, और ये रखा हुआ है ड्राम, इसमें भी काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो गांव में इसी में पानी भर के अक्सर नहाया जाता है, इसमें पानी ये पाइप के माध्यम से बोर से आता है। और दोस्तों, यहाँ ये जो आगे ये पत्थर दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पर बर्तन धोने मांजने का काम किया जाता है। और इस साइड ये लकड़ी रखी हुई है बरसात में, इसी में रख दिए हैं। और इस साइड से थोड़ी सी जगह है इस साइड इस घर में जाने के लिए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मिट्टी पटाई गई है, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी गड्ढा था तो इसमें मिट्टी डाली गई है, तो ये इतना लेवल पे आया है। और ये रूम है, इसी में अभी रहा जाता है। तो ये अभी पन्नी का यानी तो 3 साल हो गया करीबन, इसमें पन्नी डाला गया है तो इसको अच्छे से नहीं बनाया गया, ऐसे ही बनाया गया है रहने के लिए, जब तक वो बड़ा वाला घर छत वाला रेडी नहीं हो जाता। तो ये जैसे अंदर का कुछ इस प्रकार है रूम, तो नॉर्मली छोटा है सही रूम है। और ये जो वाला बड़ा वाला है तो ये अभी इसमें लेंटर पड़ा ही नहीं है, इसको भी पूरा होने में टाइम लगेगा। और ये हमारी गाड़ी कुछ इस प्रकार खड़ी हुई, क्योंकि अभी के समय में काम उतना है नहीं। और यहाँ पर ये छैने रखे गए हैं और पैरा रखा हुआ है। और गाइस ये पड़ जाते हैं सड़क, इसमें जो इतनी हाइट में निकली है इसके नीचे ये खेत पड़ जाते हैं, और उस साइड भी घर और इस साइड कुछ घर है जो अभी भी बने हुए हैं। कभी सड़क भी कच्ची ही निर्माण हुआ है, बरसात के दिनों में इसमें भी कीचड़ हो जाता है कहीं कहीं पर, सभी जगह पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पानी रुकता ही नहीं, इसलिए यहाँ थोड़ा साफ़ रहता है। और दोस्तों, इस साइड से नीचे चलते हैं तो नीचे से देखते हैं किस प्रकार है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बकरियाँ बांधी गई हैं, ब्लैक बकरी है, तो बरसात के दिनों में इनको लिया गया है क्योंकि बरसात में उतना काम नहीं रहता है, तो 2-3 बकरी रख ली गई है। तो ये देखते हैं यहाँ पुराना घर था तो टूट गया है, और ये वाला घर बना हुआ है, और इस साइड इस प्रकार रहने का कुछ घर बनाया गया है। और इधर से पुनः आ जाता है सड़क ऊपर, तो सड़क के किनारे वाला ही भाग है जो कि सड़क काफ़ी हाइट में है। और यहाँ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। तो
गाइस धान की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ की कुछ धान मतलब अभी ज़्यादा नहीं लगी हुई है, लेकिन आधी धान कही जाए तो लग गई है और आधी बची हुई है। जैसे कि इस साइड के बहुत से खेत लग गए हैं, इस साइड भी हैं और कुछ इस साइड भी हैं, तो ये सभी लग गए हैं। और दोस्तों ये आ जाता है इस साइड ये ग्राउंड जो कि पूरा खाली है, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ ये मंदिर के उपलक्ष्य में इतनी जगह छोड़ी गई है जो इसके उपलक्ष्य। तो गाइस गांव का जीवन कुछ इसी प्रकार है, जिसकी जैसी स्थिति वैसा उसका पोजीशन रहने का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।